नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं S5 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक मैसेंजर में मल्टीपल फेसबुक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक का देखते रहिए और मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। अगर आपका दूसरा कोई फेसबुक अकाउंट है तो हर बार आपको मैसेंजर में लॉग इन या लॉग आउट नहीं करना है, आप सिंपली एक क्लिक के साथ दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फेसबुक मैसेंजर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वन क्लिक के साथ स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आपने अपना मैसेंजर बहुत पहले से अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके उसे अपडेट कर लीजिए। अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मैं अपनी एक ऑलरेडी एक आईडी से लॉग्ड इन हूँ। और उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई फेसबुक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा एक स्विच अकाउंट का ऑप्शन, वहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप ऊपर एक प्लस बटन दिख रही है, वहाँ पे आप क्लिक करके दूसरा कोई अकाउंट, आप जिसे अगर कोई आपका दूसरा कोई फेसबुक अकाउंट है तो आप उससे लॉग इन हो सकते हैं। तो अपना ईमेल आईडी जो भी डालना है आप उसे डाल लीजिए। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो दोनों अकाउंट यूज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन स्विच। और ये अभी परमिशन मांग रहा है तो अभी मैं लॉग इन हो गया इसके साथ, और हम जैसा कि देख पा रहे हो। तो उसके बाद आप चाहें तो और बहुत जितने भी आपके अकाउंट हैं फेसबुक अकाउंट, आप उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये आईडी नहीं यूज करनी है, दूसरे आईडी पे स्विच करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये आपको पासवर्ड मांग रहा है। अगर तो आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन हो सकते हैं आपके दूसरे अकाउंट में, यानी कि आप स्विच कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। क्लिक करना है कंटिन्यू पे, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच हो जाएंगे। ऐसे ही करके आप बहुत सारे आपके जितने भी फेसबुक अकाउंट हैं आप ऐड कर सकते हैं मैसेंजर में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड करके और आप जितने आप मर्जी उतना यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल S5 ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।